सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर्स क्लासेस, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप। बबुआ कैसे हो? मस्त हो ना? आज हम लोग अलजेब्रा के टाइप 18 पढ़ेंगे। टाइप 17 तक आप लोग पढ़े होंगे। टाइप 18 ध्यान दीजिएगा। टाइप 18 में कुछ आप लोग रूल बताएंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन सवाल अच्छे अच्छे करा लेते हैं कि वो रूल आप लोगों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़बरदस्त दो तीन सवाल कर लेते हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन और फर्स्ट, इसको आप बना भी सकते हैं और बना के अपने आप को देख भी लीजिए कि आपको कितना आता है, क्या आता है, हमको टेंशन नहीं। क्वेश्चन और फर्स्ट आपका है, एक में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4 हो तो आपसे बाबू पूछ रहा है 1 बटे में 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी प्लस 1 बटे में 1 माइनस सी 1 माइनस डी 1 माइनस ए प्लस 1 बटे में 1 माइनस डी 1 माइनस ए और 1 माइनस बी पूछ रहा है, ठीक है? इस बात को समझेंगे, यही क्वेश्चन कर रहा है। इतना बराबर व्हाट? देखने में थोड़ा भयंकर लग रहा है ना, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, आपके दिमाग में जरूर चलेगा बात कि सर इसमें से किसी का वैल्यू 0 ले ले गया है। 0 लेने से कितना फायदा होगा वो उस बात को आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए इसको 0 हम ले लेते हैं, तो डी यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए कोई फायदा नहीं है। इसलिए 0 लेना, 1 लेना, 2 लेना, सबका वैल्यू आप सोच रहे होंगे सर एक 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 ले ले क्या इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए 1 में से 1 घटेगा इन्फिनिटी, 1 में से 1 घटेगा यानी 0 हो जाएगा, 1 बटे 0 बाबू इन्फिनिटी होता है, इसलिए बोल रहे हैं। यानी आप सोच रहे हैं कि सर वैल्यू पुटिंग से बना ले, तो हमेशा वैल्यू पुटिंग आपको कभी कभी धोखा भी दे देगा, इसलिए हमेशा उसका प्रयोग नहीं करना है। आइए हम क्या करेंगे, तो हम लोग ले लेंगे इसका एलसीएम, तो हो जाएगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी और 1 माइनस डी। आप देख रहे हैं तो इसी 1 2 3 4 चारों पद का रिपीटेशन बाबू चल रहा है। देखिए ए इस यहाँ बी, ए यहाँ बी, यहाँ सी, फिर बी सी डी, सी डी ए, ऐसी रिपीटेशन चल रहा है। तो एक क्या करेंगे इसको, तो अब ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, बच कौन गया ये, यानी 1 माइनस डी प्लस इसमें बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, बच गया 1 माइनस ए प्लस अगला में जो नहीं है वही बचेगा, तो बचेगा 1 माइनस बी। देखिए सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ई वाला बचेगा, ई वाला तो लिख दिया, प्लस डी से डी वाला कैंसिल, ए से ए वाला कैंसिल, बी से बी वाला कैंसिल, सी वाला बचेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सी। अब एक एक लेवल और बढ़ाते हैं, एक स्तर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, 1 2 3 4 चारों को जोड़ दीजिए, 4 माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी होल बट्टे में 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी। आगे बढ़ा देते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं बाबू, कॉमन माइनस वन माइनस कॉमन, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल बट्टे में, थोड़ा इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये रहेगा ये वाला बोल रहे हैं, ठीक है? इस स्थिति में मेरे को मिल गया 4 माइनस 4, अब बटे में ये वाला पूरा वैल्यू यहाँ गया, यही वाला पूरा वैल्यू यहाँ, फिर लेके चले जाओ, तो हो जाएगा 0 बटे में 0 बटे में कौन है, ए माइनस बी, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी कौन है बाबू? तो फिर से एक बार देख भी सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं उसको, आपको आया 0 बटे में 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी, यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 0। फिर से यहाँ वाला पार्ट यहाँ लिख देना है, इसी को यहाँ लिख देना है, इसी को यहाँ लिख देना है, तो आपको 0 बटे में ये आएगा, बराबर कितना आंसर आ जाएगा 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर था।
ज़्यादा समय नहीं लेगा, स्पीड आपका रहेगा तो मैक्सिमम 40 सेकंड लगभग बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिएगा ढंग से, 1 2 3 4 सबको जोड़ दिए, और उसके बाद ABCD सब माइनस में उसको लिखे, उसके बाद माइनस कॉमन ले लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना अच्छा क्वेश्चन है। दो नंबर, यदि P बटे ए प्लस क्यू बटे बी प्लस आर बटे सी बराबर 1, कॉमा ए बटे पी बी बटे में क्यू प्लस सी बटे में आर बराबर 1, कॉमा पी क्यू आर बराबर -1 तथा तथा ए बी सी बराबर 1 एवं पी क्यू आर कॉमा ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 हो तो पूछ रहा है पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर। ये थोड़ा उल्टा लिखे हैं, पी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बाबू होगा, क्यू स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, इतना बटे में सी स्क्वायर, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। फिर से देखते हैं, पी बाई ए क्यू बाई बी आर बाई सी ए बाई पी बी बाई क्यू सी बाई आर बराबर 1, उतना बराबर -1 इतना बराबर 1, तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देख लीजिए, तो देखने में ही थोड़ा भयंकर लग रहा है ना, टेंशन नहीं लेना है, आसान हो जाएगा, हम जो बताएंगे उससे चलिएगा आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या हम जो बताने जा रहे हैं उस बात को, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लिए होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, हटाते हैं कुछ, थोड़ा सा हम हटाएंगे इस बात को समझेंगे। इसको हम केवल हटा रहे हैं, इस लाइन को हम हटा दिए, और इस लाइन को हटाने के बाद हम इसको लिख दिए ए बी सी बराबर 1, यहाँ लिख दिए ए बी सी बराबर 1। अब हम बोलेंगे ना, मेरे पास दिया है ए बी सी बराबर 1, तो हम कहेंगे ना मेरे पास इतना तो प्राथमिकता है कि सबका वैल्यू ए बी सी, किसी का वैल्यू 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए किसी का 0 नहीं ले सकते, लेकिन सबका 1 तो ले सकते हैं ना, मन हो तो सबका 1। अब सबका 1 दूसरा भी नियम है, लेकिन ये सबसे बेहतर नियम अभी बता रहा है, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1, तो आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर आ जाएगा बाबू 1 एक, ठीक है, इतना आप लोग समझ लिए होंगे। उसके बाद इसको हम हटाएंगे, लेकिन इसको देखते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर 1, तो 1 बाई पी, उसके बाद कितना हो जाएगा बाबू 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर बराबर 1, क्योंकि इस इन सभी लोगों का वैल्यू कितना ले लिया है, एक एक एक। अब मेरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको हटा रहे हैं यहाँ पर, यह है देखिएगा क्वेश्चन बताएंगे। मेरे पास क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है पी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बट्टे में सी स्क्वायर। आइए छोड़िए, इतना मान पूछ रहा है, अभी पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर लेकर आएंगे तो पी स्क्वायर 1 तो 1 प्लस इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मतलब इतना का वैल्यू अब पूछने लगा, इतना का वैल्यू नहीं, कितना का वैल्यू, इतना का वैल्यू, क्यों, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 वहाँ से, तो इतना का वैल्यू पूछने लगा। इसको थोड़ा हल कर लो, तो हो जाएगा पी क्यू आर, तो हो जाएगा पी से पी कैंसिल क्यू आर, क्यू से क्यू कैंसिल पी आर प्लस आर से आर कैंसिल पी क्यू बराबर -1, वहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना बाबू, नहीं 1 है, वहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना प्लस पी आर प्लस पी क्यू बराबर -PQR, ठीक है।
अब हम कह क्या सकते हैं कि पी क्यू आर आर का वैल्यू मेरे पास पड़ा हुआ है, पी क्यू आर का वैल्यू, यानी तो छोड़िए ना यहीं पर क्यों ना हम लिख लें, थोड़ा हम क्यों इतना समय दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं, इसका हम वैल्यू लिख देते हैं, इसका इसका वैल्यू मेरे पास कितना है, क्यू आर प्लस पी क्यू पी आर प्लस पी क्यू बटे में एक बराबर एक माइनस एक है, ठीक है। तीसरी स्थिति में वहाँ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा देख लीजिए, तो गुना हो जाएगा तो हो जाएगा मेरा पी इतना प्लस पी आर प्लस पी क्यू बराबर माइनस वन, यही हो जाएगा ना। यदि इतना हो गया तो अब क्या कहेंगे, इसका सूत्र देख लीजिए क्या होता है, इसका सूत्र कहिएगा, इसका सूत्र हमको नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ए बी, ऐसे करके है ना, मतलब हम इसको ए मान रहे हैं, तो हमारा ये सूत्र आप लोग जरूर जानते होंगे कौन सा सूत्र है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ऐसा सूत्र जानते हैं, ऐसा यदि सूत्र जानते हैं तो आपके पास ये मान यहाँ पड़ा हुआ है, ये मान यहाँ पर इसको निकालना है, और ये सब मान आपको यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब वही सूत्र हम यूज करेंगे, वही सूत्र यूज करेंगे, इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो हम वो सूत्र यूज करेंगे तो मेरे पास आ क्या जाएगा, उस बात को समझेंगे, तो हम अब लिखने जा रहे हैं सूत्र, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू पी आर पी क्यू प्लस टू क्यू आर प्लस टू पी आर, ठीक है, इतना। तो अब हमारा इतना हो गया, तो अब हम कह सकते हैं इतना का वैल्यू देखिए क्या है, एक, एक का स्क्वायर बराबर इतना का वैल्यू, ये निकालना है, इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इतना को हम मान ले क्या, कुछ मान ले एक्स प्लस इतना में से टू कॉमन, तो हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और इतना के वैल्यू मेरे पास पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है देखिए, तो देखिए क्या है, देखिए इतना का वैल्यू देखिए यहाँ है, कितना है देखिए माइनस वन, यानी हम कह सकते हैं माइनस वन, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको हम हटा के यहाँ पर हल करेंगे, देख लीजिएगा इतना तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा वन बराबर एक्स, इतना को एक्स माने हैं, प्लस टू इन टू, देखिए इतना का वैल्यू क्या है, इतना का वैल्यू देख लीजिए बाबू कितना है, माइनस वन, अब मेरे पास आ गया वन बराबर एक्स माइनस टू, ये आ जाके इधर जुटेगा तीन बराबर एक्स, यही क्वेश्चन का आंसर, देख लेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन था, समय जितना स्पीड में आप लोग बनाइएगा वही आपके लिए फायदे का चीज़ होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको आकर और अंतिम में छोड़ के जाना पड़ेगा। चलिए उतार लीजिएगा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, फिर से इसको एक बार सुन लीजिए, ए बी सी को सबको एक मान लिए और सब वो ए बी सी हट गया, उसके बाद पी क्यू आर बचा, उसी पर आप गेम खेलते रहिए। क्वेश्चन नंबर तीन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो पर है ये, एक्स बराबर, एक्स बराबर क्या है बाबू, ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी, और उसके बाद वाई बराबर बी माइनस सी बटे में बी प्लस सी, और उसके बाद जेड बराबर सी माइनस ए बटे में सी प्लस ए, ये आपका क्वेश्चन, ये इतना हो तो क्या पूछ रहा है, इस बात को समझेंगे, इतना हो तो आपसे पूछ रहा है वन माइनस एक्स बटे में वन, वन प्लस एक्स बटे में वन माइनस एक्स गुने वन प्लस वाई बटे में वन माइनस वाई गुने वन प्लस जेड बटे में वन माइनस जेड, यही बात पूछ रहा है। हम बोलेंगे ना देखिए, इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये है, कह क्यों ऐसा बोल रहे हैं, a माइनस बी तो a प्लस बी, तो b माइनस सी तो b प्लस सी, सी माइनस ए तो c प्लस ए, मतलब एक का वैल्यू निकाल देना तो सबका वैल्यू ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं,
इसको पहले देखते हैं, इसको x बराबर a माइनस बी बटे में ए प्लस बी। सी एन डी का प्रयोग करते समय हम याद किए हैं, और ये आप ध्यान भी दे लीजिए कि सी एन डी कैसे होता था, a बटे बी बराबर सी बाई डी होता था। इसको लिख सकते थे a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे में सी माइनस डी। मतलब ऊपर वाला में नीचे वाला का एक बार जोड़ना था, एक बार घटाना था, ऊपर वाला में नीचे वाला का एक बार जोड़ना था, एक बार घटाना था, ये बात उसी के जैसा हम लिखेंगे। बटे में एक तो लिख सकते हैं, बटे में एक हम बात समझेंगे क्या करना है मेरे को, ऊपर में जोड़ चाहिए, जोड़ चाहिए। इसको उलट भी सकते हैं, उलट सकते हैं, तो वन बटे में एक्स बराबर ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी हो जाएगा। उल्टा, दोनों उल्टा, दोनों अंश के हर को अंश बना सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। अब हम ऊपर में पहले जोड़ेंगे वन प्लस एक्स बराबर, इसको जोड़ना है इसमें ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी होल बट्टे में, इसमें से इसको घटाना है वन माइनस एक्स, क्योंकि ये मांग कर रहा है घटाओ का, बराबर हो जाएगा। इसमें से इसको घटाना है ए, दो बराबर नहीं होगा यहाँ पर, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, वन प्लस एक्स बट्टे में वन माइनस एक्स का वैल्यू मेरे को मिल गया, ये से ये कैंसिल तो टू ए, और उसके बाद a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो इसे माइनस प्लस हो जाएगा, ये से ये कैंसिल यानी ऊपर में मिल गया 2a बट्टे में 2b, ये से ये कैंसिल यानी मिल गया a बट्टे b। एक बात सुनिए, क्योंकि हम नहीं समझ रहे हैं कि हम नहीं आपको ये सोच रहे हैं कि बार बार एक ही चीज़ फालतू लिखते रहिए। इसको आप हल किए, इसको आप हल किए तो a बट्टे b मिला, a बट्टे b मिला। तो सिमिलरली इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, b बटे सी मिलेगा। छोटा वाला ऊपर, छोटा के बाद बड़ा वाला नीचे, तो इसमें छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, यानी a बटे b मिला है, a बटे b मिला है, तो हम लिख बोले b बटे में c मिलेगा। इसके लिए क्या मिल जाएगा, c बटे में a मिल जाएगा, c बटे में a। यदि लगेगा कि नहीं सर आप ऐसे ही फालतू गेम खेल रहे हैं, तो इसके जैसा आप वाई को निकालिएगा, फिर जेड को निकालिएगा, और अब देखेंगे ए से ए कैंसिल, सी से सी और बी से बी कैंसिल, यानी आंसर कितना हो जाएगा, वो एक, आंसर कितना हो जाएगा एक। देख लीजिए, कहिएगा सर इसको क्यों बदल दिए, हम देख पा रहे हैं वन पहले होना चाहिए इसलिए ऊपर कर दिए। चलिए बाबू इसको उतार लीजिएगा आप लोग। अब हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसके बाद तब हम कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा इस बात को समझेंगे। जैसे a प्लस वन बाई ए बराबर पी दिया हो, ठीक है, a प्लस वन बाई ए बराबर पी दिया हो, ठीक है, तो आपसे पूछ दे कोई ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या होगा इस बात को कोई पूछे, उसी पर का कोई दे दिया हो तो आप दिमाग में भी चल सकता है सर यहाँ माइनस पर भी पूछ सकता है, पूछेगा बताएंगे, वो भी बताएंगे, ठीक है, उसको भी आपको बता देंगे क्या होगा। लेकिन पहले सबसे जो ज़्यादा पूछता है उसको देखिए, उसके बाद a प्लस वन बाई ए बराबर यदि आपका p दिया हो और कोई आपसे पूछ दे ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू का भाई, ये दोनों का वैल्यू जो बार बार पूछता है उसको पहले बता रहे हैं, ठीक है। a प्लस वन बाई ए बराबर पी दिया हो तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है, पी मतलब पापा, ठीक है, पी मतलब पापा याद कर लो, ठीक है, तो पापा को याद करना चाहिए क्योंकि आप लोग मम्मी को तो ज़्यादा याद करते हैं, सब लोग याद करते हैं, पापा को भी याद करो उनका भी, ठीक है, और मम्मी को याद भी करना चाहिए क्योंकि मम्मी हम लोग के सबसे प्यारी होती है और हम लोग कुछ ज़्यादा ही मम्मी से लगाव होता है और मम्मी का भी लगाव बेटा सब कुछ बेटा बेटी से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब पापा के भी थोड़ा सा जिक्र कर लेना है। तो हम बोले हैं तो इसको स्क्वायर करेंगे, ये इसका सूत्र याद कीजिए, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
अब माइनस टू ए बी, और एक होता था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो कहिएगा सर कौन यूज कीजिएगा, हम इसको यूज करेंगे। कहिए क्यों, क्योंकि हमारा a प्लस बी का वैल्यू यहाँ कोई दे दे हम उसी को यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे। a माइनस बी का वैल्यू दे तो इसको यूज करेंगे, तो हमको प्लस दिया है तो प्लस दिया है तो हम ये यूज करेंगे, यानी प्लस वाला। तो मेरा सूत्र अब बनेगा, इसको a मान लेते हैं, ये टोटल को b मान लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू वन बाई ए, ये सी ये कैंसिल। तो आज के बाद कुछ याद कर लेना है, ठीक है। उस पर अगर सवाल होगा इसलिए इसको हटा ही देते हैं, अभी उस पर ही सवाल करेंगे आज हम लोग। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू, इतना का वैल्यू क्या दिया है, इतना का वैल्यू पापा है, यानी p का स्क्वायर माइनस टू। यही आप याद कर लेंगे, यही याद कर लेंगे। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इतना बराबर p यानी पापा दिया हो तो इतना का स्क्वायर क्या होगा, तब पापा का स्क्वायर माइनस टू होगा बाबू, ठीक है। इसी पर आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर कितना आप लोग पापा वाला क्वेश्चन अच्छा से बना लेते हैं, ठीक है। अब अपना अपना पापा के बाबू याद करना है, दूसरे को पापा का मत याद करो पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पापा के नाम भी बताने में शर्म करते हैं कि मेरा पापा का नाम खराब है। पापा के नाम कुछ भी हो बता दो, क्योंकि वही आपके सब चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर से, a प्लस वन बाई ए बराबर पी दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो p का स्क्वायर माइनस टू, पापा कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहिएगा सर ऐसा, थोड़ा सा और भी ध्यान दें, ऐसा भी कभी दिख जाए ए स्क्वायर प्लस टू प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा दिख जाए, और आपसे पूछ दे इतना बराबर पी हो, और कोई पूछ दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछ दे, तो याद कीजिए इतना बराबर कोई एक मान, इतना बराबर कोई एक मान, इसी का वैल्यू पी दिया है ना, इसी का स्क्वायर है, इतना का स्क्वायर और इतना का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही स्थिति होगा, पी का स्क्वायर माइनस टू यानी पापा का स्क्वायर माइनस टू यहाँ पर भी होगा। इस बात को भी समझ लेंगे, ये नहीं सोचना है कि सर एगो दिया रहेगा तो इसका वैल्यू बड़ा हो सकता है, बड़ा होते जाएगा एक्सपेंड करेगा, तो ध्यान दीजिएगा और भी हम बढ़ा के दिखाएंगे आपको, ये बड़ा हो सकता है तो भी वही होगा। हटा रहे हैं इसको, एक बात और हमेशा के लिए उसको फिक्स कर दीजिए, और वो गलत बात भी नहीं है, a प्लस वन बाई ए बराबर पी, और p का स्पेशल वैल्यू टू हो जाए, तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू हमेशा टू ही होगा। आप हल करके देख भी सकते हैं, इतना का वैल्यू टू हो जाए तो उसका हमेशा वैल्यू टू होगा, इसलिए कि इस पर क्वेश्चन करेंगे। स्क्वायर करके देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन बाई ए, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं बराबर दो दूना के चार। अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल, वो जो गया उधर, यानी ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू चार और माइनस दो बराबर दो, हम यही बात बोले हैं। इसका वैल्यू यदि दो हो जाए तो इसका वैल्यू हमेशा के लिए दो होता है, लेकिन केवल ये दो पर वैलिड है, केवल किस पर वैलिड है, दो पर वैलिड है। क्यों दो पर वैलिड है, शुरुआत में भी एक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि इतना बराबर टू हो तो इसका वैल्यू एक होता है, इतना बराबर टू हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, एक होता है, ये बात याद है ना। इतना का वैल्यू टू हो जाए टोटल मिला के तो इसका वैल्यू एक, इसका वैल्यू एक, यानी एक का वैल्यू कितना होता है, एक होता है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है एक नंबर क्वेश्चन, एक्स यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर टू हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर,
याद होना चाहिए, ऐसे भी आपको याद है, सूत्र पे ही याद है। इतना ये मतलब पी हो गया ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, पी स्क्वायर माइनस टू। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू दो, दो का स्क्वायर माइनस दो, यानी चार माइनस दो बराबर कितना आंसर दो। ऐसे भी आपको याद है, इतना का वैल्यू एक, इतना का वैल्यू एक, यानी एक्स का वैल्यू एक हो गया, एक प्लस एक बराबर कितना आंसर दो, वो भी हो सकता है। इसका वैल्यू एक, इसका वैल्यू एक, एक एक दो, यानी एक एक दो, यही हो सकता है। चलिए हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो आपसे है, है ए प्लस वन बाई ए बराबर चार हो तो, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर क्या होगा, क्लियर कीजिए, देख लीजिए आराम से, ढंग से देखिए, कोई दिक्कत है क्या इसमें। हम आपको एक बात बोले हैं, ये मतलब पापा, इस स्थिति में इतना का वैल्यू पी का स्क्वायर माइनस टू, यानी पापा का स्क्वायर माइनस टू, यानी चार का स्क्वायर माइनस दो बराबर सोलह, माइनस दो बराबर कितना हो जाएगा बाबू, चौदह। ध्यान देने कितना हो जाएगा, देख लो चौदह, इतना का वैल्यू चार, इतना का वैल्यू कुछ भी तो पी का स्क्वायर माइनस टू, यानी कितना हो गया चार, माइनस वाला बताएंगे, प्लस वाला अभी देखिए, माइनस वाला जरूर बताएंगे, ठीक है, हटाए इसको। क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन है एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर बराबर थ्री हो तो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर कितना का वैल्यू, कितना का वैल्यू याद कीजिए, इसका ये पूरा का स्क्वायर है कि नहीं देख लीजिए, इसका ये पूरा का स्क्वायर यहाँ है कि नहीं देख लीजिए, यदि स्क्वायर है तो ये गिवन वैल्यू पी है, दिया हुआ वैल्यू पापा, तो इस स्थिति में पी का स्क्वायर माइनस टू, यानी हो जाएगा कितना बाबू देख लेंगे, यानी हो जाएगा तीन का स्क्वायर माइनस दो, यानी कितना हो जाएगा नौ माइनस दो बराबर कितना सात, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कहाँ आपको दिक्कत है। चलिए और एक बात बताते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, यदि इसका वैल्यू दो होता तो इतना का वैल्यू दो ही आता है, लेकिन इतना का वैल्यू दो से कोई अधिक है तो पी का स्क्वायर माइनस टू, अब पी का स्क्वायर माइनस टू कहीं पर भी काम करेगा ऐसा को प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार क्या है देखेंगे, यदि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर वन हो तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, नहीं टू का होल स्क्वायर प्लस वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, आंसर बताएंगे, ध्यान पूर्वक देखना है क्या ये वाला मान इसके बराबर है, लेकिन हाँ ये बात है कि इसका इसका ये स्क्वायर तो स्क्वायर तो है, उसमें कोई डाउट नहीं, इसका मान ये है क्या तो है ही नहीं, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर सही है, यहाँ वन है तो यहाँ टू है, तो कह रहा है भाई देखो हमारे जैसा नहीं हो, स्क्वायर होने से कोई फायदा नहीं, इसका मतलब इसका ये स्क्वायर भी है तो फायदा नहीं, लेकिन यहाँ एक तो यहाँ दो है, होना कितना चाहिए बाबू, यहाँ पर होना कितना चाहिए, होना चाहिए था ये वाला मान, है नहीं, एक काम करेंगे, क्या काम करना है उस बात को समझेंगे, इसका मान तो मेरे को चाहिए, इस बगल में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमको चाहिए, उसको हम बगल में लिख दिए, लेकिन उससे पहले उसके जैसा इसको बनाने का प्रयास करेंगे, कैसे
कैसे उस बात को समझेंगे। इतना वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो अब हम क्या कहेंगे कि हमको यहाँ एक नहीं चाहिए, कितना चाहिए, दो चाहिए। यहाँ तो सही है, ये सही है, ये वाला मान और ये वाला मान सही है, लेकिन इसी में गड़बड़ है। यहाँ कितना चाहिए, तो ये कह रहा है कि दो चाहिए, तो कहेंगे तो ये कह रहा है ये थोड़ा भिखारी किस्म का आदमी है, तो इसको क्या कर दिया जाए, एक रुपया का भीख दे दिया जाए। तो इधर एक जोड़े तो इधर भी एक जोड़ना होगा दोनों तरफ, यदि घटाते तो घटाना होता जोड़। देखिए यहाँ पर बाबू कितना होता, यदि तीन होता तो क्या करते, तीन होता तो तीन, यहाँ पर दो, तो क्या करना पड़ता, एक घटाना पड़ता है, लेकिन अभी कम था तो जोड़ना पड़ा, इसी स्थिति में एक था तो एक जोड़ दिए, तो अब मेरे को क्या मिल गया, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर उधर क्या मिल गया, दो। फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पर एक था एक जोड़ दिए दो बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ कितना मांग कर रहा है, दो का, इसलिए दो कर दिए। अब इतना बराबर ये क्या है, इतना ये क्या है, ये क्या है, ई मतलब पी पापा, तो हम क्या कह देंगे बाबू, तो कह देंगे वहाँ पर कितना मान हो जाएगा, ऐसे तो ऐसे भी याद है कितना का वैल्यू दो होता है तो उतना का वैल्यू दो होगा, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं पी का स्क्वायर माइनस टू, यानी दो का स्क्वायर माइनस दो, यानी चार माइनस दो बराबर दो। इस पर विचार करना जरूरी है कि इसका आधार, इसके आधार जैसा है, इसका आधार यहाँ दो था तो यहाँ एक था, तो एक जोड़े दो बनाने के लिए, तो दोनों तरफ जोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर चार हो गया, देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर पांच देखेंगे, पांच क्वेश्चन नंबर पांच आपका है ए क्यू प्लस वन बट्टे में ए क्यू बराबर फाइव हो तो आपसे पूछ रहा है ए के पावर सिक्स प्लस वन बट्टे में ए के पावर सिक्स बराबर। ध्यान देने क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ये देखिए कि इसका ये दोगुना पावर है कि नहीं, तीन तो तीन दुना के छः, क्योंकि यहाँ पे याद कीजिए क्या होता था, ए प्लस वन बाई ए बराबर पी होता था, तो ए स्क्वायर प्लस वन बटे में ए स्क्वायर, यहाँ पर एक पावर तो यहाँ दुगुना पावर, एक पावर तो इसका दुगुना पावर, तो यहाँ तीन पावर तो यहाँ छः पावर है कि नहीं, छः पावर है, इसका मतलब ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये तब क्या होगा पी पी, तो इसका मान हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस टू, यानी हो जाएगा पाँच का स्क्वायर माइनस टू बराबर कितना आंसर 23। लग रहा है कि सर गलत हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, गलत को सही किया जा सकता है, कैसे इस बात को समझेंगे, वो भी आपको भ्रम भी दूर हो जाए, ये बिल्कुल सही है। हम क्या बोल रहे हैं, तीन गुना के छः, क्योंकि ये कहता है एक तो दो वही काम हुआ है, लेकिन भ्रम हो रहा है तो भ्रम को दूर कर लिया जाए। देख लीजिए 23 तो आंसर हो गया, ए के पावर सिक्स प्लस वन बटे में ए के पावर सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं ए क्यू का स्क्वायर प्लस वन बटे में ए क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यदि ये लिख सकते हैं तो मेरा सूत्र हो जाएगा ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू ए इंटू वन बाई ए क्यू वाला, ये सही है, करते इतना का वैल्यू मेरे पास देखिए दिया हुआ है पाँच का स्क्वायर माइनस दो मतलब 23 हो गया कि नहीं बताइए, हो गया ना। पांच नंबर क्वेश्चन आराम से देख लेंगे आप लोग, पांच नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उतार लीजिए इसको, पांच नंबर उतार लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर छ करेंगे आप हम लोग छ, क्वेश्चन नंबर छः आपके पास है। ए प्लस वन बटे में ए माइनस टू बराबर फाइव हो तो ए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बटे में ए माइनस टू का होल स्क्वायर, बात समझो बाबू, इसको ए माइनस टू तो इसको भी कह रहा है कि हमको भी ए माइनस टू चाहिए, ये तो सही है। यहाँ वाला देखिए ये कह रहा है ए माइनस टू, तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास ए माइनस टू नहीं है केवल ए है, तो हम कहेंगे इसमें से क्या घटा दे, देखिए तो अब क्या घटा दे, दो,
तो हो जाएगा a माइनस टू प्लस होल बट्टे में a माइनस टू बराबर इधर 5 माइनस दो, यानी a माइनस टू प्लस वन बट्टे में a माइनस टू, इसको ऐसे तो दिखा सकते हैं, बराबर कितना में आ गया 3, 3 बराबर p, ठीक है, 3 बराबर p, तो उसका अनुमान कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस टू, यानी 3 का स्क्वायर माइनस टू बराबर 7, देख लेंगे आराम से इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ए क्यू प्लस वन बट्टे में ए क्यू प्लस वन बराबर 8 हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर का वैल्यू, समझिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जाइए यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि हम तुम्हारे जैसा है, यहाँ पर जाइए इसके जैसा, ये देखिए कह रहा है कि नहीं हमारे में, तुम्हारे पास एक प्लस है तो हमारे पास नहीं है, तो हेल्प में एक जोड़ लीजिए, ए क्यू प्लस वन एक जोड़ लिए, वन बट्टे में ए क्यू प्लस वन यहाँ पर जोड़े मेन ये स्ट्रक्चर में, तो हो जाएगा 8 प्लस एक, मेरे पास मिल गया ए क्यू प्लस वन बट्टे में ए क्यू प्लस वन, यानी उसके जैसा सब हो गया, तो बराबर कितना 9, 9 क्या है, 9 क्या है p, पापा नहीं कह सकते हैं, p का स्क्वायर माइनस 2, यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 81 माइनस 2 बराबर कितना होता है 7, 9 79 ना जी, 79 69 ये सब में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है वो, और ध्यान देना बाबू अब तो ज़माना बदल गया, लेकिन पहले ज़माने में शादी विवाह होता था तो 79 69 लोग आके लिखवाते थे, लेकिन अब सब ज़माना बदला तो अब तो लोग आके भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल ये सब भी पूछ डाल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा याद भी रखना वरना फिर होगा कि नहीं पता नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 मेरा है, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 99 हो, तो थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, 100x होल बट्टे में 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2 का वैल्यू आप बताइए, क्वेश्चन अलग हो गया, अब बात समझेंगे, इस बात को समझना है और आपको समझ में आ भी जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, दो तरीका है समझने का, एक तो यहाँ पर 100x होल बटे में ये इन दोनों में से कॉमन उठाइए, इन दोनों में से तो कॉमन उठाएगा तो 2 कॉमन, तो इसमें से बच जाएगा x स्क्वायर और प्लस इसमें बच जाएगा 1, और इसको बाहर रखिए प्लस 102x, इतना का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, x LCM तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 99, यानी x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 99x, इतना का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा 100x होल बट्टे में 2 इंटू 99x और प्लस 102x, थोड़ा गुना भागा 100x होल बट्टे में 99 दुना के 198x और प्लस 102x, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 300 तो हो जाएगा, जोड़ेंगे तो x इतना उसको इधर ला देते हैं बट्टे में 300x, और ये सही कटा 30 से 30 यानी आंसर 1 बट्टे में बना लेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, क्वेश्चन है बाबू आपका,
यदि यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 हो तो आपसे पूछ रहा है 2x होल बटे में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर। फिर सेम कॉन्सेप्ट, 2x ऊपर रख लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं 3, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच जाएगा बाबू 1 प्लस 1 ये माइनस 5x। अब इतना का वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालेंगे तो हो जाएगा एलसीएम एक्स, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x। यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 2x होल बट्टे में 3 गुने 5x और माइनस 5x। अब कितना हो जाएगा 15 एंड 2x बटे में 15x माइनस 5x एंड 2x बटे में घटा तो 10x और कट के आंसर 1 बटे में 5। इस चीज़ को बना लेंगे। अब हम आपको बता देते हैं एक दो क्वेश्चन माइनस 16 पे, ठीक है, उस बात को देखेंगे क्योंकि आप लोगों के दिमाग में चला गया सर माइनस 16 नहीं बताए, माइनस 16 पर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा रहे हैं बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बाबू, माइनस 16 पर देख लेते हैं। जैसे यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर 4 हो तो आपसे पूछ दे ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, यही वैल्यू पूछ दे तो क्या होगा, इस बात को समझेंगे। अब इसका सूत्र हमारा होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, मानते हैं कि इसका वैल्यू तो दिया है यहाँ पर, लेकिन इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू निकालना होगा कैसे, इस सूत्र से a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 4a इंटू 1 बाई ए, ये सी ए कैंसिल, ये सूत्र याद कर लीजिएगा, लिखे भी होंगे कभी, इतना का होल स्क्वायर कल ही शायद लिखे थे, इतना का होल स्क्वायर और 4a भी है, उसी पर लिखे हैं क्योंकि ये a है पूरा और ये इतना को b मान लिए। अब इतना, इतना का वैल्यू आप रखिए 4 का स्क्वायर माइनस, इतना का वैल्यू आपके पास है क्या, नहीं है, तो ये इतना का वैल्यू हम x मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4, ये आके 16 में से आके घटा 4 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 12 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी x का वैल्यू कितना हो गया है √12। x है क्या, x बराबर a माइनस 1 बाई ए है, देख लीजिए किसको x माने हैं, देखिए किसको माने हैं, इसको माने हैं, तो ये इतना का वैल्यू क्या आ गया √12। अब यहाँ पर रख देंगे इसका वैल्यू मेरे पास 4 है, इसका वैल्यू a माइनस 1 बाई यानी x का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ गया √12, √12 को मन है तो लिख सकते हैं 2√3, 2√3 तो लिख सकते हैं 2√3, उसको दिखा देते हैं 8√3 इसका आंसर। √12 को आप देख लीजिए, √12 को तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 3 और इसमें से ये दोनों निकल जाएगा, ये रह जाएगा, तो इसलिए 2√3 बोले हैं यहाँ पर, बना लेंगे आप लोग इसको। माइनस 16 आएगा तो हमेशा ऐसे ही बनाना है, एक क्वेश्चन माइनस 16 आपको फिर से दे देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन घर के लिए भी दे देंगे, दो क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर का है। यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर बराबर प्लस इतना बराबर 2 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, इस बात को समझेंगे। यदि समझदारी दिखाइए तो इसका वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, एक इसका, इसका मान एक, तो एक एक का स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक का स्क्वायर, एक माइनस एक बराबर 0, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 से अधिक होता है तो ही लफड़ा होता है, 2 होता है तो x का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है, इस बात को समझेंगे। इसका वैल्यू 2 होता है तो इसका वैल्यू फाइनल निकल जाता है, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। 2 से अधिक होता है 3, 4, 5, तो पिछला जैसा कॉन्सेप्ट बताएं वैसा होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन अब घर के लिए लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12
यदि, क्योंकि उसको बना लेंगे आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन, a प्लस टू बाई ए बराबर थ्री हो तो, आपसे पूछ रहा है ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर बराबर वाइट, इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका है एम प्लस वन बटे में एम माइनस टू बराबर फोर हो तो, एम माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बटे में एम माइनस टू का होल स्क्वायर, इतना का पहले यही दो क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अगला में, अगला बार में इसका आंसर बता देंगे आप लोगों को अगला तृतीय में। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत सारा बहुत ही ज़्यादा है, गर्मी लग रहा है, क्या कीजिएगा, मस्त पढ़िए आप लोग, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।